यह वीडियो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। देखिए, इस महिला को अपने आने वाले पीढ़ी को और अपने बेटी का जीवन बनाने के लिए 6 महीने की उम्र में उसको छोड़ दिया था उसकी दादी के पास और फिर ICS में आकर किस तरह से कड़ी मेहनत करके यह मुकाम हासिल कर लिया। अगर आपको भी सक्सेसफुल होना है तो यह वीडियो को पूरा देखें। आइए, ये हमारे यहाँ कोई स्टूडेंट हैं जो सेलेक्ट हो जाते हैं। किस ब्रांच से हो बेटा? मैं सुबिदा ब्रांच में थी मैम, यहाँ भी पढ़ती थी पहले। अच्छा, किस चीज़ में सिलेक्शन हुआ? TGT सोशल साइंस। फाइनल हो गया है वो? हाँ जी मैम, जॉइनिंग हो रही है। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। ये बस बेटा बस, ये हमारी देखो ब्रांच पे एक स्टूडेंट, तुम भी इधर आ जाओ। कौन सी ब्रांच बता रही हो? सफीदो ब्रांच पे पढ़ती थी ये, TGT सोशल साइंस। सर आप भी आ जाइए। बेटी है ये आपकी? हाँ जी मैम। अच्छा, हस्बैंड है आपके। आप क्या करते हैं सर? तैयारी कर रहे हैं। नहीं कोई नहीं, आपका भी जरूर होगा भगवान ने चाहा तो। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे कपल हैं जो हस्बैंड वाइफ पढ़ते हैं, फिर कोई से एक का होता है, फिर दूसरा भी तैयारी करता है, दूसरे का भी हो जाता है। ऑल द बेस्ट। देखो बेटा, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, दोनों हस्बैंड वाइफ पढ़ रहे थे, एक का हो गया, वो भी अपने प्रोसेस में। आप किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं सर? अच्छा, टीचिंग है। क्या सब्जेक्ट आपका? अच्छा, चंडीगढ़ फायरमैन का भी हुआ। बहुत बढ़िया, कहीं ना कहीं फाइनल में हो जाएगा आपका। बेटी का नाम क्या है? क्या नाम है बेटा आपका? रूही। आपकी मम्मा तो टीचर बन गई, अब आप मम्मा के पास पढ़ लोगी या नहीं पढ़ोगी? मुझे भी मम्मी पापा की तरह टीचर ही बनना है। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो हम लोगों के यहाँ क्या होता है बेटा, शायद तुम्हारे यहाँ अब तक कोई सिलेक्शन इस बैच में नहीं आया था ना? अभी नहीं आया, आया था। हम एक घड़ी देते हैं और जो इस बैच में बैठते हैं उनको ये स्पेशल बताते हैं, क्योंकि जो बाकी बैचेस हैं उनको तो पता है। यहाँ जो सेलेक्ट होके आता है, जिसका फाइनल ज्वाइनिंग हो गई, दो बातें होती है। एक पेपर में नाम आ गया कि भाई मैं पास हो गया, एक होता है फाइनल ज्वाइनिंग। 6 महीने हो गए इनकी ज्वाइनिंग को, जिसकी ज्वाइनिंग हो जाती है हम उसको घड़ी देते हैं। और घड़ी के पीछे लॉजिक ये है बेटा कि इन्होंने अपना समय अपने कंट्रोल में कर लिया। जैसे सबका समय कंट्रोल में नहीं होता, जो समय जो मेहनत करता है ना वो समय को आगे से पकड़ लेता है। दिल्ली में कहाँ पर हो? भलसवा डेरी। अच्छा, भलसवा डेरी में। कितनी सैलरी मिल रही है अब? 69,000 प्लस। देखो 70,000 के आसपास इनकी पर मंथ की सैलरी है। हाँ, मेरे ख्याल आपको पढ़ते होंगे 77-75 के आसपास, 80+ पड़ती है ना। हाँ, वो आपका मेरे ख्याल कुछ परसेंट जो है वो उसमें कट जाता है न्यू ये स्कीम में, नेशनल पेंशन स्कीम वगैरह में ना। इनको देखो 80,000 के आसपास इनकी सैलरी है, 10-11,000 कट जाते हैं। वो कटने का मतलब है वो बुढ़ापे के लिए सेफ हो जाते हैं, वो आगे जाके मिलेंगे। तो इनके लिए ज़ोरदार तालियाँ बजाओ सब लोग, मिठाई उनको पकड़ा दो। आ जाओ सर, आप भी आ जाओ, आप भी हाथ लगा लो, क्योंकि इस समय को बदलने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो आज समय जो है इनके कंट्रोल में है, रख लो इसको, उनको दे दो। अब मुझे बताओ, इन बच्चों को थोड़ा सा बताओ कि तुम कितने दिन पढ़ी जब तुम आती थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ज़रूर लूँगी, थैंक यू। ये पहला हक तो तुम्हारा है बेटा, तुम खाओ मेरी तरफ से, आप भी खाइए। थैंक यू बेटा, मैं भी थोड़ा ही खाऊँगी, थैंक यू। ये लो बेटा, मिठाई खाती हो? वेरी गुड। अब आपकी मम्मा टीचर बन गई हैं, आपके तो बहुत मज़े आएंगे। अब ये लीजिए सर। चलो ज़रा इनको बताओ, तुमने कितने दिन पढ़ाई की और कितनी बार ऐसा हुआ जब फेलियर देखा, क्योंकि सक्सेस से पहले फेलियर देखना पड़ता है, उस टाइम कैसा फील हुआ बताओ ज़रा। गुड मॉर्निंग सभी को। मैंने 2018 में तैयारी स्टार्ट की थी। पहले तो मैं स्पीडो ब्रांच पे भी पढ़ती थी, लेकिन वहाँ पे बंद हो गई थी। तो फिर मेरा एज ए गेस्ट टीचर हुआ 2018 में। वहाँ से रिलीविंग मिलने के बाद फिर दोबारा एहसास हुआ कि नई परमानेंट की तैयारी करनी है। तो फिर मैं दोबारा ICS पे यहाँ आई सोनीपत में। यहाँ मैंने 6 महीने तैयारी की। फिर वहाँ हमारे सफ़ेदों में ही खुल गई ब्रांच। तो फिर हमने सर से बात की कि सर हमें वहीं पे तैयारी करनी है, नज़दीक पड़ेगा, यहाँ से दूर पड़ता था, तो हम वहीं पर चले गए। मतलब कि बहुत बार ऐसा हुआ कि पेपर देते थे, आते थे, लगता था कि पास हो जाएगा, लेकिन नहीं, बहुत बार फेलियर हुआ लगा, बहुत बार गुस्सा भी आता था, दुख भी होता था, लेकिन आखिर में रोती भी थी बहुत बार। बहुत बार तो ऐसा होता था कि नहीं होगा ही नहीं, अब तो होने वाला ही नहीं है कुछ भी। लेकिन फिर एक दो दिन बाद फिर महसूस होता कि नहीं, कुछ तो करना है, अब तैयारी स्टार्ट की है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो फिर दोबारा तैयारी स्टार्ट कर देते थे 2-3 दिन बाद, यही होता था। मतलब कि आखिर में मतलब मैम का रहता था, मैम की क्लास तो मैं छोड़ती ही नहीं थी बिल्कुल भी अपने सब्जेक्ट के लिए। और सर की मतलब क्लासेस तो एक भी नहीं छोड़नी होती थी, कि सुबह आते थे 8 बजे और 2-2.5 बजे तक यही रहते थे क्लास में ही, बस यही ऐसे थे।
बेटी को तो मैंने 6 महीने की हुई थी और छोड़ दिया था इसको तो इसकी दादी के पास। ये आसान नहीं होता, 6 महीने की बच्ची को उसने दादी के पास छोड़ दिया। अच्छा, आप लोग फिर शहर में आके रहने लग गए थे या गांव से? नहीं मैम, रेंट पे रहते थे यहाँ, तो दादी के पास थी। फैमिली सपोर्ट है तो मतलब कि कामयाब हो सकते हैं। मेरे को सास ससुर का बहुत सपोर्ट मिला, हस्बैंड का मिला, फैमिली थी घर वाली वहाँ से बहुत सपोर्ट मिला, लेकिन जितना सपोर्ट हस्बैंड का मिला और आईसीएस सेंटर पे आके मतलब कि फील हुआ कि हाँ कुछ करना है, तो मतलब कि तभी से मोटिवेट थी कि कुछ तो करना है बस। थैंक यू सो मच मैम, आईसीएस कोचिंग सेंटर को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसी की वजह से हुआ। थैंक यू, जिंदगी भर खुश रहे और ये भी कामयाबी का ऊंचाई है। छोटे वाले भाई के भी लगे मैं पास था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, पास एसएससी में। अच्छा, उसका 18 में हो गया। चलिए, मतलब आपके लिए, आपके परिवार के लिए लकी रहा ये डिसीजन कि आप लोग, आप लोगों के पास रहा था 3-4 साल। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बहुत बहुत खुशी की बात है बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो, जाओ परिमल सर से मिल लो बस। ठीक है सर, ये है बेटा सक्सेस, जब हम लोग कुछ अचीव कर जाएं। जब आते हैं पहले दिन ऐसे ही बैठे होते हैं तुम्हारी तरह, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र देखने में तो एक कदम का है, तुम एक कदम में पहुँच जाओगे, लेकिन इसके लिए कितना त्याग, कितनी तपस्या चाहिए ये इससे देख लो, इस लड़की से। अपने 6 महीने के बच्चे को छोड़ के आना, दूध पीता बच्चा होता है 6 महीने का, और फिर दूसरे शहर में जाके तैयारी करना, और इस हद तक तैयारी करना कि आज वो 80,000 की सैलरी ले रही है, बहुत बहुत बड़ी एक जो है ना विल पावर चाहिए होती है। इतना कन्फर्म है नौकरी मिल सकती हैं, बशर्ते अपने आप के ऊपर थोड़ा सा टफ होना पड़ता है। हर चीज़ लुभाती है बेटा तुम्हारी उम्र में, फ़ोन भी, इंस्टाग्राम भी, और इस तरह के लोग भी जो कहते होंगे यार क्या पढ़ के क्या निकलना है। लेकिन ऐसा एक एग्जाम्पल अपने सामने, अपने दिमाग में हमेशा रखो कि अगर ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसने भी तो अपने आप को काबिल बनाया ना कैसे हालातों से उठ के, तो तुम में क्या कमी है। अगर तुम फिजिकली फिट हो, तुम्हें ठीक ठाक सुनाई देता है, ठीक ठाक दिखाई देता है, तुम पढ़ने लिखने में बिल्कुल एवरेज थे या बुद्धू थे, लेकिन अब तुम चाहते हो आगे बढ़ना, ये दो चीजें अगर मन में है ना, तो फिर कामयाब हो जाओगे। परेशानी तब है जब आदमी के पास सुविधाएं ज्यादा हों और फिर उन सुविधाओं के चक्कर में अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही ना आना चाहें कि भैया एक कमरे में पड़े रहें एसी चला के, बाहर ना निकलना पड़े, कौन पढ़े। ऐसे लोग नहीं कामयाब होते, ऐसे लोग कामयाब होते हैं जो अपना घर परिवार सब चीज़ें अपने सपनों के लिए त्याग देते हैं। आज ये बच्ची की ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर होगी क्योंकि अब ये इसकी माँ 80,000 रुपये महीने के कमाएगी। अगर दोनों माँ बाप कुछ भी ना करते होते तो इस बच्ची को कहाँ पढ़ाते। बच्चे को सिर्फ प्यार नहीं चाहिए बेटा, बच्चे को सुविधाएँ भी चाहिए, अच्छा माहौल भी चाहिए, अच्छे डॉक्टर भी चाहिए, अच्छी जगह वो रहती हो। उसके लिए माँ बाप को स्टार्टिंग में अगर थोड़ा समर्पण भाव से त्याग करना भी पड़े तो ये बुराई नहीं है। और जो बहुत छोटे बैठे हो ना तुम लोग, तुम लकी हो बेटा, इस स्टेज में पढ़ना ना जिसमें ये लड़की आई थी बहुत मुश्किल होता है, तब डबल मेहनत करनी पड़ती है। तुम अनमैरिड हो, अपने पेरेंट्स की छत्र छाया में हो, थोड़ी सी मेहनत में हल्का सा धक्का अपने आप को मार लोगे ना तो तुम निकल जाओगे। 20 साल की एज, 25 साल की एज बहुत फ्री वाली एज होती है, लेकिन जब 25 से ऊपर कूद जाती है ना उम्र, फिर चिंताएँ घेरती हैं बेटा, फिर दिक्कत आती है, फिर परेशानियाँ आपको आगे अड़ी रहती हैं, फिर आपको बड़ा मुश्किल होता है रास्ता बनाना। जब आप अनमैरिड हैं, यंग हैं, तो रास्ता बस थोड़ा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है, भागते जाएंगे, फिर उसके बाद आपको परेशानी नहीं आएगी अगर आप यंग एज में लग गए तो। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट बेटा, भगवान करे किसी दिन तुम भी ऐसे ही घड़ी लेके जाओ यहाँ से। ये घड़ी अपने कमरे में टांगने से ना एक उपलब्धि फील होती है कि मैंने ICS की घड़ी ले ली, क्योंकि सबको नहीं मिल सकती है ये, सिर्फ उनको मिल सकती है जो मेहनत करेंगे। ऑल द बेस्ट।